जैन दोस्तों, इस समय है हम एमसी ग्राउंड के बाहर और बच्चे हैं हमारे जो कि मेडिकल है इनका कल, और अभी हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कितने का इनका बैच बन रहा था और इस समय जो व्यवस्था है कैसी है। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक कहाँ से हैं? अभिषेक कानपुर। कानपुर देहात? जी सर। अच्छा, अभिषेक किस में देखी आपने रेस? जीडी में सर। जीडी में देखी थी। कौन सा बैच था आपका? सर सातवां बैच था मेरा। सातवां बैच था। कितने बच्चों का बैच बनाया गया था? 100 बच्चों का बैच बना रहे हैं। 100 बच्चों का। 100 में कितने बच्चों को क्वालिफाई हुए? 100 में 30-35। 30-35। एक्सीलेंट में कितने पकड़ रहे थे? एक्सीलेंट में मेरे वाले में 7-8 बच्चे पकड़ रहे थे। अच्छा, ग्राउंड आपको कैसा लगा? क्या नंगे पैर दौड़ने लायक है? ग्राउंड जिसकी जैसी प्रैक्टिस हो वो वैसे ही दौड़े, बाकी कुछ अलग से न करे। अच्छा, मतलब पहले सुनने को आ रहा था कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा बजरी है, क्या अब उसको ठोस कर दिया गया है? तो पता ही नहीं चला कैसा क्या था। अच्छा, आप जो दौड़ते थे रोड पे दौड़ते थे या ग्राउंड पे दौड़ते थे? अच्छा, ग्राउंड पे दौड़ते थे। आपकी गुड पे लगी है रेस, दिखा दो फिर जरा सभी को। ये देखिए गुड क्वालिफाई होके आया है। क्या नाम है आपका? अंकुर। कहाँ से अंकुर? कानपुर देहात में। किस गाँव के रहने वाले हैं? सुमरसा गाँव के। तुमने क्लर्क में देखी थी? ट्रेडमैन में देखी थी। कितने का बैच था ट्रेडमैन? फिर वही होगा 60। अच्छा, ट्रेडमैन में सुनने को आ रहा है कि कक्षा 8 पास वाले और 10वीं पास वाले दोनों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। अच्छा, कल अलग बना था, तो आप 8वीं पास थे या 10वीं पास थे? 10वीं पास थे। 10वीं पास में 60 बच्चों को दौड़ाया गया था। 60 में लगभग कितने बच्चों को पकड़ा गया? 30 बच्चा। एक्सीलेंट कितना ले रहे थे? 7-8 बच्चे थे। अच्छा, 7-8 बच्चे थे। आपका क्या एक्सीलेंट पड़ी थी? चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेडिकल कब है आपका? मेडिकल आज था तो टाइम पे पहुंच नहीं पाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपके जमा हो गए? अच्छा, आप जो भी सभी लोग आपको देख रहे हैं, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं? कानपुर नगर की भर्ती क्योंकि लगी हुई है, और क्या आधार कार्ड में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है? अच्छा, आधार हिस्ट्री निकालते होंगे कि आपने कितनी बार एडिट किया हुआ है। अगर जैसे किसी बच्चे की आधार हिस्ट्री मैच नहीं कर रही है या ओटीपी नहीं जा रहा है तो क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं ना ऊपर कि चिंता जो डीओबी होती है। अच्छा, नहीं जैसे आधार कार्ड की ओटीपी अगर नहीं जा रही है तो बच्चों को समय दिया जाता है? अच्छा, कितना समय दे रहे हैं लगभग? बोलते थे कि रुक के आना, फिर मोबाइल नंबर लगा होता बात। हाँ, तो ओटीपी पहुंच जाती है बाद। अच्छा, ओटीपी पहुंच जाती है। नहीं तो अगर किसी की आधार हिस्ट्री नहीं मैच कर रही तो कम से कम 24 घंटे का समय दे रहे होंगे। जमा करने का पूरा समय देते। अच्छा, डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा क्या चेक करते हैं? एफिडेविट वही बनवाते, अंदर बनता। हाँ, एफिडेविट बनना होगा, फोटो अंदर बन रही होंगी आपकी। और जैसे किसी किसी का एसपी का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो क्या बाहर कर दिया जाता है? नहीं, एसपी वेरिफिकेशन वाले को क्या दिया जाता है? नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बाहर नहीं करेंगे, आपको टाइम दीजिए, समय दीजिए। एसपी वेरिफिकेशन के लिए कितना समय दे रहे हैं? मतलब 1-2 दिन या तुम्हें घंटे, जितना जितनी देर में तुम्हारा आ जाए। अच्छा, कागजों से बाहर नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप देख रहे हो कि अगर आपका एसपी वेरिफिकेशन नहीं है तो ये बच्चे हैं बता रहे हैं कि कम से कम 2-3 दिन जब तक आपका नहीं आ रहा है तो आराम से आप उसको करा सकते हैं। और देखते हैं टेक्निकल। अच्छा, टेक्निकल में आ जाओ बच्चा, टेक्निकल की जानकारी आप लोग बहुत ज्यादा मांग रहे थे ना, ठीक है, टेक्निकल की जानकारी आइए पूछते हैं बच्चे से। क्या नाम है आपका? ऋषभ शर्मा। कहाँ से हो ऋषभ? कानपुर देहात। कानपुर देहात से हो। टेक्निकल में कितने का बैच था आपका? 57-57 के दो बैच बने थे। 57-57 के दो बैच थे। 57 में कितने लड़कों को पकड़ा गया? पहले में 44, दूसरे में 47। 44 लड़कों को पास किया गया? सच बता रहे हो भैया? 57 लड़कों का बैच और 44 लड़के टेक्निकल में पास। तुम भी टेक्निकल में थे? अच्छा, तो टेक्निकल में एक्सीलेंट देख रहे थे या पूरा पूरा सीधे? पूरा टाइम नहीं, पूरा नहीं होता सबका, सीधे सीधे पूरा। अच्छा, पूरा घुस जाओ सीधे सीधे। अच्छा, आपने भी टेक्निकल में देखी? अच्छा, आपका भी बैच सेम था इसी का? अच्छा, आप टेक्निकल में सबसे ज्यादा बच्चों को जैसे पकड़ा जा रहा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में क्या ज्यादा बार कर रहे हैं? सेम प्रोसेस, जो जीडी का प्रोसेस है वही ट्रेडमैन का प्रोसेस है, वही पूरा सब कुछ चल रहा है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब आप रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना समय दे रहे होंगे उसमें टेक्निकल में? 5.5-6 मिनट तक का टाइम दे रहे हैं। पूरा 6 मिनट तक का? पूरा 6 मिनट तक का प्रॉपर्ली। अच्छा, जिसने 4 चक्कर लगाए वो देखिए भैया, टेक्निकल वाले बंदे बिल्कुल भी, ये बच्चे दोनों टेक्निकल पे देख के आए हैं। और अगर, और ये देखिए बिल्कुल
एक्सीलेंट का फीता देख सकते हो, टेक्निकल में कोई एक्सीलेंट वो नहीं चलता है, लेकिन आप देख सकते हो आप 57 का बैच और 44 लड़के पास किए गए हैं। अगर आपका 5:45 तक का टाइम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकल वाले परेशान ना हो, जीडी वालों को दिक्कत होती है कि उनका जल्दी क्लोज हो जाता है, ट्रेडमैन में क्लोज होता है, लेकिन ये देखो टेक्निकल में बच्चे आए हैं क्योंकि इनकी ट्रेड ही ऐसी होती है कि इनको पूरा पूरा टाइम दिया जा रहा है। और सारे बच्चों की रेस निकल जाएगी टेक्निकल में, क्या कहना चाहते हो बेटा? ग्रुप बना के अगर चलेंगे, अगर 50 लड़के हैं 50 में से 50 अगर ग्रुप बना के चल रहे हैं, हाँ पूरा समय दिया। अच्छा, आप सभी लोग इस भर्ती के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भर्ती बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रही है, किसी प्रकार का कोई अंदर आपको परेशान करना या भेदभाव करना इस तरह का तो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए भी आपको समय दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही? बहुत पहले आपको समय देंगे उसके। अच्छा, पहले समझाते भी हैं कि जाओ बेटा ये कर लो, पहले की भर्तियों की तरीके नहीं कि उठाया डंडा मारने लगे चल भाग जाए यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं इस भर्ती से? बार बार गलती करोगे तो मारेंगे ही, और फिर बार बार कोई गलती करेगा तो कौन छोड़ देगा। तो देखिए ये भर्ती जो हो रही है बहुत ही पारदर्शिता के साथ हो रही है, बिल्कुल भी आप देख सकते हो अंदर फौजी भाई जितने भी हैं कोऑपरेट करते हैं, बच्चों के अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जा रहा है, आपको समय दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी बेहिचक आए आप अच्छे से, और आज देख रहे हैं टेक्निकल वाले बच्चों को कि 5:45 तक का समय दिया जा रहा है, अगर अब भी आप ना दौड़ पाए तो फिर कभी भर्ती नहीं हो पाएंगे। बंद कर दो।